हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना। मैं आज आपको बता रही हूँ कि देखिए, जो रेडीमेड कुर्ती होती है उसमें सिंपल तरीका बताऊंगी बाजू लगाने का, और उसी बाजू में हम डिजाइन भी बनाएंगे। ये देखिए, ये मैंने एक डिजाइन बना रखा है बाजू में, और अब मैं दूसरा आपको बता रही हूँ। ये सिंपल डिजाइन है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी बनेगी और सुंदर भी बहुत है। देखना, ये मेरी रेडीमेड कुर्ती है। मैं इसमें, ये मेरी इस कुर्ती के साथ ये बाजू आई थी कि लंबाई देखो ज़्यादा है, इतनी लंबाई मुझे नहीं चाहिए। इसकी लंबाई फ्रेंड्स मुझे 14 इंच चाहिए, और बाकी का आगे कपड़ा बचेगा उसमें मैं डिजाइन बनाऊंगी। तो ये देखिए, ये 14 इंच हमने यहाँ इसकी लंबाई लिया ऐसे, यहाँ से ये 14, और 1 इंच मैं इसका वो लूँगी एक्स्ट्रा, आगे फोल्ड में जाएगा और सिलाई मार्जिन के लिए। तो ये 1 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा लिया, हुआ 15 इंच। अब ये एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको मैं कट कर लूँगी। फ्रेंड्स देखिए, ये निशान मैंने लगा लिया है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम कट कर देंगे। और अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास कटिंग में आया है, ये बचा हुआ, इसी से हम डिजाइन डालेंगे। अब देखना, इसके हम 2-2 इंच के ऐसे लंबा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 2 इंच की इसकी चौड़ाई है, जो बचा हुआ कपड़ा था उसमें मैंने ये कपड़े कट कर लिए हैं। अब इसको हम ऐसे एक बार ऐसे फोल्ड किया, और एक बार इधर फोल्ड किया, और इसको हम ऐसे सी लेंगे। अब फ्रेंड्स देखो, मैंने ऐसे सील लिया है इनको, और अब हम इनको 2-2 इंच पे ऐसे निशान लगा के और इसको कट करेंगे। 2 इंच इसकी लंबाई रखेंगे, ये देखो ऐसे, ये 2 इंच का मैंने काट लिया। अब इसी को ऐसे लेके सब हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने ऐसे कट कर लिए हैं, 2-2 इंच इनकी लंबाई है। अब हम अपनी जो बाजू है उसको आगे से फोल्ड करेंगे। पहले ऐसे एक फोल्ड किया, और फिर ऐसे दूसरा फोल्ड किया। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सील लिया है, ये देखो। अब इसको हम ऐसे डबल करेंगे, ऐसे डबल करके बीच से कट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बीच से हमने कट कर लिया है इसको, बाजू को। अब जो आगे हमने फोल्ड किया है, ऐसे यहाँ पे भी हल्का सा ऐसे फोल्ड करके, और फिर हम दूसरा फोल्ड करेंगे ऐसे, और फिर सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक फोल्ड कर लिया है, ऐसे ही हम इस दूसरे पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारे दोनों सिल गए हैं, दोनों साइड के। अब हम इस पे 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे, उससे हमारा बराबर रहेगा। अब इधर से हम 1-1 इंच पे निशान लगा लेंगे ऐसे। इस पे पूरे पे 1 इंच का निशान लगा लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये 1-1 इंच पे मैंने निशान लगा लिया है। अब जो हम ये यहाँ पे ऐसे रखेंगे और सिलना स्टार्ट करेंगे यहाँ से। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा लग गया है। अब हम अपना दूसरा पार्ट रखेंगे इस पे ऐसे ही, सीधी साइड ही, और फिर इसको भी अटैच करेंगे। यहाँ पे ऐसे रखा और सिलाई करेंगे। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हम इसको सील लेंगे दोनों साइड में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिजाइन बन गई है, तो देखो कितना सुंदर बनी है। ऐसे ही हम अपना दूसरी जो बाजू है उसका भी ऐसे ही कर लेंगे, सेम सिलाई। अब फ्रेंड्स, हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे आगे के शेप के लिए। अब देखिए, ये मेरा सीधी साइड है, और ये उल्टी साइड है, और ये भी उल्टी साइड है, ये ऊपर सीधी साइड है। ये देखना, कन्फ्यूज ना हो जाना फ्रेंड्स,
कई बार क्या होता है कि दोनों एक साइड की कट जाती है। अब फ्रेंड्स देखो फिर से, ये दोनों जो अंदर है वो दोनों उल्टी साइड है, ये देखना, और ये दोनों बाहर सीधी साइड है, ये भी सीधी ये भी सीधी। अब हम इसमें शेप लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा कट हो गया है। अब हमें इसको जॉइंट करते हैं अपनी कुर्ती पे। अब ऐसे अपनी इसकी बाजू का सेंटर निकाल लेंगे फ्रेंड्स। एक सेंटर निकालने के बाद सेंटर से रखेंगे इसको ऐसे। ये हमारा देखो रेडीमेड कुर्ती है, तो इसमें हम सीधा लगाएंगे एकदम इजी तरीके से फ्रेंड्स। इसको कुर्ती को भी सीधा लिया और इस अपनी बाजू को भी सीधा लेंगे और ऐसे रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जो एक इसमें सिलाई है, इसी सिलाई पे हम अपनी सिलाई दूसरी सिलाई कर लेंगे। ऐसे रखा, अंदर की साइड जितनी सिलाई है उससे थोड़ा सा ज़्यादा जाना चाहिए कपड़ा अंदर, और इसी सिलाई के ऊपर सिलाई डालेंगे हम। और बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा फ्रेंड्स, ये अपनी बाजू लगेगी देखना। एक साइड का हमारा पूरा हो गया, फिर से सेंटर में रख के फिर से यहां से हम इसको सील लेंगे फ्रेंड्स, और उसी सिलाई पे लगाएंगे अपना सिलाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सिलाई ऐसे हो गई है हमारी। अब फ्रेंड्स, ये सिलाई होने के बाद हम अपनी दूसरी सिलाई करेंगे इसके कॉर्नर कॉर्नर पे। अगर आप करना चाहो तो कर लेना फ्रेंड्स, लेकिन फिनिशिंग अच्छी लगती है दूसरी सिलाई के बाद। ये देखो ऐसे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये डबल सिलाई हो गई है और देखो कितना सुंदर लग रहा है। अब हम इसकी बाजू की फिटिंग की सिलाई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा हो गया है और देखो कहीं से भी हमें खोलना नहीं पड़ा और एकदम इजी तरीके से ये बाजू हमारी लग गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर लग रहा है हमारी बाजू। और अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।